हेलो बच्चों, कैसे हैं? आशा है आप एकदम अच्छे से होंगे और अपना खूब बढ़िया ध्यान लगा रहे होंगे। बच्चों, पिछली बार हिंदी 2 के क्लास में जो जूम क्लास था, उसमें हमने आपके पिछली पार्ट के प्रश्न उत्तर को आपको समझा दिया था और आपसे भी उत्तर पूछ लिए थे। और बच्चों, आशा है कि आपने वो काम अपनी कॉपी में कर लिया होगा। आज बच्चों, हम उसी पुस्तक में अगला पाठ, पाठ 8, सफलता की त्रिवेणी, इस नाम के जो पाठ है वो करा रहे हैं। बच्चों, इस पाठ में आप देखेंगे कि जीवन में सफलता पाने के लिए क्या करना ज़रूरी है, जीवन किस प्रकार बिताना ज़रूरी है, ये बताया जाएगा। पाठ को शुरुआत में पहले पृष्ठ पे ही आप कुछ महान हस्तियों के नाम पढ़ेंगे बच्चों, जैसे वर्ल्ट डिज्नी, उसके बाद नारायण मूर्ति, ओपरा, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, फिर उसके बाद रजनीकांत, उसके बाद धीरू भाई अम्बानी और फिर महेंद्र सिंह धोनी। इन सब के नाम आपने सुने होंगे पहले ही और आप जानते होंगे कि ये कितने प्रसिद्ध लोग हैं। अपने अपने जिस भी क्षेत्र में ये काम करते हैं, वहाँ इन्होंने बहुत उन्नति प्राप्त की है। लेकिन बच्चों, हमेशा से ही ये इतने प्रसिद्ध नहीं थे, पर इन्होंने अपनी मेहनत, लगन, अपने कार्यशैली, उन सब के कारण इन्होंने ही अपने जीवन में इतने महान क्षेत्र अपने इतने महान पद पाए हैं और इतनी महानता हासिल की है कि इनको हमारे देश में नहीं बल्कि पूरे विश्व में ही जाना जाता है। बच्चों, यहाँ लेखक आपको बताते हैं कि हम अपने जीवन में सफलता किस प्रकार पा सकते हैं। छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी आदतें अपनाने पर ही हम जीवन में सफल हो सकते हैं। यहाँ पर एक छोटी सी बात, एक व्यक्ति के विषय में बताते हुए लेखक ने इस पाठ को आरंभ किया है। आप देखिए, आरंभ शुरू होता है कि जहाँ पर कवि कहते लेखक कहते हैं बच्चों, अपने एक परिचित के बारे में बताते हैं कि उनके एक परिचित थे जो 65 वर्ष के थे, और बहुत 65 वर्ष काफ़ी होता है बच्चों। उस 65 वर्ष की आयु में भी वो अपने कार्य में निपुण थे, बहुत मेहनत करते थे और परिश्रमी थे, और हर काम वो बड़ी स्फूर्ति से, कार्य कुशलता से वो अपने कार्य करते थे। 65 साल के होने के बावजूद कभी भी वे थके नज़र नहीं आए, कभी सुस्त नज़र नहीं आए, बल्कि वो ऐसा लगता था जैसे 30-35 साल का जो युवा होता है, जिस जोश और फुर्ती से वे काम करते हैं, उसी फुर्ती से ये भी महाशय काम करते थे। ऐसा लेखक बोलते हैं कि एक बार ऐसा समय आया कि जब उनको मौका मिला उस अपने परिचित से भेंट करने की, तो उन्होंने बड़े हिचकिचाते हुए उनसे आखिर पूछ लिया, और पहले उन्होंने अपनी धृष्टता की माफ़ी मांगी और फिर उनसे पूछा कि उनके जीवन में इतनी जो सफल हैं, किस तरह वे इतने अभी भी चुस्त हैं और कार्य में निपुण हैं, कितनी फुर्ती से वो कार्य करते हैं, इन सब का रहस्य क्या है। वो जानना चाहते थे कि इस उम्र में भी वो इतनी कैसे उपलब्धियां उन्होंने पा ली हैं। और वे इन्हें बताते हैं कि वे लेखक बताते हैं कि वे उनके चरित्र से, उस परिचित के चरित्र से कायल थे और उनके उपलब्धियों का वे रहस्य जानना चाहते थे। जब उनके परिचित ने ये बात सुनी तो उन्होंने अपने अनुभव के पिटारे से, जो अनुभव रूपी मोतियाँ उनकी पिटारे में थी, वो खोली और धीरे धीरे करके वो मोती को उनके सामने बिखेरना शुरू कर दिया। और लेखक बताते हैं कि जो सफलता उनके हिसाब से, उनके परिचित व्यक्ति के हिसाब से, कामयाबी पाना कोई मुश्किल बात नहीं है। कामयाबी पाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करना भी ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो व्यक्ति परिश्रम करता है उसको ज़रूर ही सफलता मिलती है। सफलता पाने के लिए परिश्रम करना ज़रूरी है। लोग कहते हैं ना, परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। अक्सर आपको निबंध लिखने के लिए मिलता है बच्चों, तो अगर आप परिश्रम करेंगे तो सफलता ज़रूर मिलेगी। समय लग सकता है,
कभी कम कभी अधिक सफलता मिलती है, लेकिन मिलती ज़रूर है। पर सफलता पाने के लिए हमें कुछ बातों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अब इस पाठ में बहुत विस्तार से बताया गया है, जो बाद में जब हम पाठ पढ़ेंगे तब हम आपको समझाएंगे। अभी तो हम आपको सार बता देते हैं कि वह कहते हैं कि जिन बातों का ध्यान करना है हमें सफलता पाने के लिए, उसमें सबसे पहले है स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती। हमें अपने स्वास्थ्य और अपनी तंदुरुस्ती पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर व्यक्ति बहुत मेधावी हो, बहुत प्रतिभाशाली भी हो, लेकिन उसका स्वास्थ्य सही ना हो, वो तंदुरुस्त ना हो, अक्सर बीमार पड़ेगा, तो उसकी प्रतिभा भी उसका साथ नहीं देगी, ठीक है ना। तो हमें सफलता पाने के लिए प्रतिभा होते होने के साथ साथ हमें अपने स्वास्थ्य पे भी ध्यान रखना चाहिए और हमें अपनी तंदुरुस्ती को बनाए रखना चाहिए। बच्चों, उनके कहे अनुसार कि कभी कभी ऐसा होता है जो मामूली प्रतिभा के लोग होते हैं, छोटी कम प्रतिभा के लोग होते हैं, पर जो स्वस्थ और अच्छी ताकत रखते हैं, तंदुरुस्ती रखते हैं, वे भी जीवन में सफल हो जाते हैं, जबकि जो प्रतिभाशाली हो और उनका स्वस्थ अच्छा ना हो, वो पीछे रह जाते हैं। तो इसीलिए कम प्रतिभा होने पर भी, क्योंकि उनका स्वस्थ अच्छा है, वो तंदुरुस्त है, वो आगे बढ़ने की क्षमता रखते हैं। तो इसलिए हमें अपने स्वास्थ्य की ओर विशेष ध्यान रखना चाहिए। दूसरी बात वे कहते हैं, अगर आप दूसरे पृष्ठ पर जाएंगे बच्चों, तो आप देखेंगे कि दूसरी बात वो कहते हैं कि हमें अपने आहार विहार में बहुत संतुलन बना के रखना चाहिए। हमें आहार, अपना जो भोजन है, वो उचित समय पर ही करना चाहिए। हमें खाना तभी खाना चाहिए जब हमें भूख लगी हो, और वो भी सच्ची वाली भूख, झूठी भूख नहीं, सच्ची वाली। जब हमें भूख लगे तभी हमको खाना चाहिए। हमें घड़ी की सुई देखकर खाना नहीं खाना चाहिए कि अब इतने बजे हमारा लंच टाइम हो गया तो खाने बैठ गए या डिनर। हमें तब खाना चाहिए जब हमें भूख लगी हो। उन्होंने कहा कि जो अकबर, जो महाराजा अकबर थे, वो बादशाह अकबर थे, वो दिन में सिर्फ एक ही बार भोजन करते थे, पर जब वो भोजन करते थे तो वो भर पेट कर खाते थे। थोड़ा बहुत नहीं, अच्छे खासा जितना वे खा सकते हैं खाते हैं, भर पेट, जिनका जितने उनके पेट को ज़रूरत हो, शरीर को ज़रूरत हो, उतना खाते थे, अच्छा खाना खाते थे, पर भूख लगने पर ही खाते थे। और इसी के कारण वो इतने फुर्तीले, चुस्त, और आप जानते हैं, आपने हिस्ट्री की बुक में भी पढ़ा होगा या आपने कहीं देखा होगा, फिल्म देखी होगी, कि उनको हमेशा दिखाया जाता है कि वो बहुत चुस्त और फुर्तीले व्यक्ति थे। तो बच्चों, हमें क्या करना चाहिए, हमें खाना अच्छे से खाना चाहिए, लेकिन हमें समय पे खाना चाहिए, मतलब उस समय खाना चाहिए जब हमें सचमुच भूख लगी है। बहाने बहाने से हमें थोड़ा थोड़ा कई बार नहीं खाना चाहिए। तो बच्चों, यहाँ तो रह गई हमारी खाने की आदत, और हमें अपने भोजन को भी अच्छे से खाना चाहिए, और हमें भोजन को हमारे संतुलित होना चाहिए, एक ही तरह का भोजन नहीं खाना चाहिए, हमें संतुलित भोजन खाना चाहिए, ताकि हमें सब तरह के पौष्टिक आहार हमें हमारे शरीर पे मिल सके। बच्चों, तो बच्चों, यहाँ तो हमने आपको दो बातें बता दी, दो कुंजियाँ सफलता की, शेष हम आपको अगले क्लास में कराएंगे। तब तक बच्चों, अपना ध्यान दीजिए रखिएगा, और इस पाठ को आप एक बार पढ़ लीजिएगा, और आशा करते हैं कि पिछले वाले पाठ के सारे कार्य आपने कर लिए होंगे। तो बच्चों, इस क्लास को हम यही ख़त्म करते हैं। अपना ध्यान रखिएगा। हैव अ गुड डे चिल्ड्रन।